आकाश तत्व कहाँ से मिलेगा अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। हम लगे हुए हैं आयरन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, बी 12 कहाँ से मिलेगा, जिसका हमारे ग्रंथों में वर्णन ही नहीं है। आप जानिए उसको भी, उसके लिए हम मना नहीं करते, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन शरीर को चलाने के लिए जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। आकाश तत्व कहाँ से मिलेगा इसको जानिए। आकाश तत्व उपवास से मिलता है, ठीक तरह के उपवास से मिलता है। उपवास का मतलब भूख मरी नहीं है। उपवास शब्द से डरना मत। हमारे ग्रंथों में हमारे सभी जितने भी हमारे धार्मिक उत्थान हैं, हम जो भी करते हैं, त्यौहार आते हैं, उत्सव मनाते हैं, सभी पे व्रतों की महिमा गाई गई है। जैन धर्म उपवास पे ही आधारित है, मुस्लिम धर्म में रोजे किए जाते हैं। क्यों? उपवास को सही तरीके से कीजिए। या हम रात को नर्म गद्दों पे लेटते हैं, सर हल्का होता है, टांगे हल्की होती हैं, बीच का हिस्सा भारी होता है, रात भर झूले में पड़े रहते हैं। हमारे फेफड़ों को इन तीनों अवस्थाओं में आधी श्वास मिलती है। हम कोई प्राणायाम नहीं करते, हम प्लिस्टर के कपड़े पहनते हैं, हमारी त्वचा को श्वास नहीं आता। सभी कहते हैं भोजन में विटामिन होते हैं, खा लो खा लो खा लो, वायु में विटामिन होते हैं, कोई नहीं मानता। अगर भोजन शरीर को दो दिन ना मिले तो शरीर चलेगा, अगर वायु दो मिनट ना मिले तो क्या होगा? आकाश तत्व की हमें जानकारी नहीं, वायु तत्व की परवाह नहीं, सूर्य से कैसे लाभ लेना है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं।